और भी साधुओं को आप देखते हो, हमें भी देखते हो और उसका निर्णय भी करते हो कि हम में और गुरुजी में क्या अंतर है, हम में साधुओं में क्या अंतर है, ये सबको समझता है। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे। महात्मा के पास में बहुत सारा सामान था, सीट लदबद भरी थी, महात्मा को बैठने को खुद को जगह नहीं थी, इतना सामान। एक दो स्टेशन निकला, एक बनिया बैठा सेठ, उसके पास भी बहुत सारा लगेज, बहुत सारा सामान। जिस सीट पर महात्मा बैठा उसके बगल वाली साइड की सीट पर बनिया का रिजर्वेशन। बनिया ने आकर देखा सामान नहीं रखा, तब तक तो बनिया हाय हाय करने लगा, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बनिया के मुंह से वही वही शब्द निकले, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। किसी को समझ नहीं रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लोगों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। तो कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, देखो महात्मा का हाल, महात्मा का देखो कितना सामान है, 5 सूटकेस, 5 बैग, 5 बोरियां, ये वो इतना सारा सामान। अरे जितना मेरे पास सामान है उतना महात्मा के पास सामान है, तो फिर महात्मा में और मुझ में क्या अंतर रह गया। अंतर अगर कुछ रह गया तो कपड़ों का अंतर है, बाकी महात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। महात्मा हमारे जैसा ही भोगी है, महात्मा हमारे जैसा ही विलासी है। महात्मा बहुत सुलझी हुई और बहुत अकलमंद और विद्वान थे। महात्मा ने बनिया की बात का बुरा नहीं माना और धन्यवाद दिया बनिया को, कहा, महाराज सेठ जी आपने आंख खोल दी, मेरी तो आंख खुल गई आज, आपने जो उपदेश दिया है मुझको सुनकर के मैं धन्य हो गया, आपने सही कहा, मुझ में और आप में केवल कपड़े का अंतर है। मैं साधु सन्यासी त्यागी घर बार परिवार छोड़ करके इतना सारा आडंबर लेकर घूम रहा हूं, क्या अंतर है मुझ में और आप में, आपने मेरा आज सब कुछ अच्छा कर दिया, मेरे तो आज आपने विवेक कर दिया, मेरा तो अंतर चक्षु खोल दिया आपने। महात्मा में और बनिया में दोस्ती हो गई। एक दो स्टेशन निकला, गाड़ी रुकी पानी वानी भरने के लिए 10-5 मिनट, साधु ने बनिया से कहा, चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर घूम के आए, चाय पानी कर आए। साधु के साथ में बनिया चल पड़ा। साधु को अंतर बताना था गृहस्थ में और साधु में। नीचे उतार लिया ट्रेन से, पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, शरबत पिलाया। 10-15 मिनट रेल के जो थे वो खत्म हो गए। अब रेल सीटी मारे और रेल चालू हो गई। बनिया को पता चला रेल चालू हो गई, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अरे महात्मा जी, अरे साधु जी, रेल चल गई, रेल, चलो 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 चलो। महात्मा ने कहा, हाथ पकड़ लिया बनिया का, अरे क्या बैठो यार, ये रेल का क्या काम है, ये तो स्टेशन है, यहाँ तो रेल आती है और जाती है, आती है और जाती है, ये भी चली जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा, बैठो चाय पियो, बैठो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ कर, अरे भैया मेरा सामान, मेरा सामान, दुनिया भर का मेरा सामान है, सामान तुमको नहीं पड़ी है, मेरा सामान, सामान। महात्मा ने कहा, क्या करना सामान का, क्यों सामान सामान चिल्ला रहे हो, अरे जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है, क्या टेंशन ले रहे हो, बैठो बैठो। साधु ने कहा, गृहस्थी सेठ जी, अब आपको समझ में आ रहा है कुछ साधु में और गृहस्थी में क्या अंतर है। बनिया चिल्लावे, पैरन में गिर के पाम पकड़ लिए, कहा, महाराज पूरो समझ में आ गो, अंतर क्या अंतर है। तो कहा, क्या अंतर है बताओ। तो गृहस्थ कहने लगा, बनिया कहने लगा, अंतर यह है कि सामान चाहे साधु पे गृहस्थ की बराबर हो, पर साधु सामान को कभी भी छोड़ सकता है, पर गृहस्थी सामान को कभी छोड़ नहीं सकता। समय के साथ में संसार बदलता है, व्यवहार बदलता है। साधु की बराबरी कभी गृहस्थ नहीं कर सकता। साधु के पास में सबसे बड़ा त्याग तो यही रहता है कि वो उस तरह के कपड़े पहन लेता है जिस तरह के कपड़े आप कभी नहीं पहन सकते।